इसकी सड़क पे आपको हमर दिखेगी नहीं आपके अलावा। हाँ ये तो है। मेरे को लगता है अभी वेस्ट जिले के ना अकेली हमर खड़ी होगी। हाँ समय लेता है, देखो थोड़ा समय लिया, अब ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है, शट डाउन थोड़ा धीरे करती है। तो यार बहुत वेलकम तुम्हारे इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड। भाई तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे वंस अगेन नाम निर्भय काम निर्भय। भाई मुझे तो लगता नहीं भाई कोई भी आपको इतना ज्यादा ये सेम लाइन से पुकारता है जितना मैंने बोल दिया होगा, सबसे ज्यादा है ना। तो मैं नहीं बोलता खुद को, पर भाई मैंने आज भाई को ना मैसेज भी इस तरीके से किया था, भाई नाम निर्भय 4 बजे काम निर्भय, ठीक है 4 बजे भाई को बुलाना था यहाँ पे, इसीलिए ये हमारा एक शॉर्टकट था। लेकिन भाई ये मुझे बताओ, हमने पिछली वीडियो जो करी थी पोर्शे के ऊपर, बहुत ही एक लग्जरी एसयूवी, ये है एक, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करें, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ना मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है, क्योंकि लग्जरी तो नहीं है ये, डेफिनेटली लग्जरी तो नहीं है। हाँ क्योंकि आज के टाइम पे इसके ना कुछ भी फीचर्स नहीं है, बट इसका स्टांस, इसकी पर्सनैलिटी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आप काइन साथ में खड़ी कर दो कि अटेंशन ग्रैब यही करेगी ऑफ कोर्स। पर भाई इसको हम बोलते हैं दुबई के शेखों की गाड़ी से जाना आता है इसको, कि शेखों के पास मिलती है ये वहाँ पे। अब तो ऐसे 2020 के अंदर हमर को फिर से लेके आए ईवी में, हमर ईवी आई है। हाँ हमर जो ब्रांड है वो जनरल मोटर्स ओन करता है, जनरल मोटर्स ने ओन किया था, और हमर 2011-12 तक लास्ट वेरिएंट्स आए थे, उसके बाद कंपनी के पास सेल बिल्कुल नहीं थी, हाई कॉस्ट था प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी ऐसे हमर बंद कर दी। अच्छा ये रीजन था, ये रीजन। ओके तो ईवी में कैसा रिस्पांस आ रहा है इन्हें? काफी अच्छा रिस्पांस है, उसके अंदर आपने वो देखा होगा क्रॉल वॉक है, उसके अंदर वो क्रॉल करती है। मैंने ये सेम चीज जी वैगन ईवी में भी सुना, वो ऐसे स्पिन करती है। हाँ वो क्रॉल करती है लेफ्ट राइट। ओके पर भाई अब मुझे बताओ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बैजिंग यहाँ पे H3 की बैजिंग है। हमर H3 क्या कॉमन है दिल्ली में? क्यों मैंने इससे पहले जो हमर शूट करी थी वो भी H3 ही थी। और क्या डिफरेंस होता है H1 H2 H3 में? H1 सबसे बड़ी होती है, वो पहले 1900s के अंदर सिविलियंस के लिए लॉन्च करी गई थी, और अच्छा। उस टाइम पे ना वो एज सच कार थी बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों के लिए। ओके पहले के लोग थे, जैसे होता होगा कि उस टाइम पे हमारा आपका एक स्टेटस ब्रांड वैल्यू बनाता होगा। हाँ H2 इससे बड़ी है। अच्छा H3 इनकी मिड साइज है, H4 इससे छोटी, H5 इससे छोटी। अच्छा इनका ऑर्डर ऐसे चलता है कि H1 H2 H3, H3 मिड साइज है, H2 इससे बड़ी, H1 सबसे बड़ी। हाँ और उसके बाद शायद मैंने ये भी सुना कि H1 सिर्फ मिलिट्री ट्रक रह गया था बाद में। ओके कि जो कार है ये मिलिट्री बेस पे बनी हुई है, इसकी अगर आप बॉडी शेल और इसकी जो आप बॉडी इसका पोस्चर देखोगे तो ये लिटरली एक मिलिट्री कार की शेप देती है। अच्छा ये रीजन है। तो ये बताओ जैसे आपके, यार पहली बात बता दो आपके शॉप, आपकी जो शॉप है उसका नाम क्या है? दीपक मोटर्स। दीपक मोटर्स, तो दीपक मोटर्स पे ये कार है, जिसको लेना है वो ले सकते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही। इसका भाई प्राइस क्या कोट कर रहा है आप पहले मुझे ये बताओ? इसका आस्किंग प्राइस है वो 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपए है ना। मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से दीपक मोटर्स पे तो प्राइस भाई ऐसे ही होते हैं कि हर बंदा सोच सकता है लेने के लिए, है ना। हम बेसिकली अच्छी गाड़ी, कम चली गाड़ी और लग्जरी कार्स में डील करते हैं। ओके तो ये गाड़ी अब मुझे बताओ, जैसे हमर आपने अभी कब ली? ये अभी 1 महीने पहले आई है हमारे पास। अच्छा तो आपने ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो इधर उधर अपनी शॉप से इधर घर चलाई होगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? आप मुझे पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि ये गाड़ी डेली ड्राइवर नहीं है, इसकी 2 की एवरेज है। हाँ और डेली ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब ये गाड़ी आप पर्सनैलिटी, लुक, अटेंशन और स्टेटस के लिए ओन करना चाहोगे कि आपका 500 गज की आपकी कोठी है, आपने गेट खोला, सामने लाल रंग की हमर खड़ी है, ये उसके लिए गाड़ी, उसके लिए। बाकी चलाने वाले में आप रोज ही निकाल सकते हैं, अभी आप चला के देखना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि रोज चलाने लायक गाड़ी नहीं है। अच्छा बेसिकली ये गाड़ी बस अपने स्टांस और अपनी प्रेजेंस के हिसाब से है, और बाकी ऑफ रोड भी मैंने सुना काफी बढ़िया कैपेबल है ये है। तो ये ऑफ रोडिंग कार, हाँ और ये ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए ही थी। हाँ बट इसका सस्पेंशन काफी स्टिफ है, काफी ज्यादा स्टिफ है। मैं अपने चैनल पे ज्यादातर मॉडिफाइड गाड़ी शो करता हूँ, आज पर ये गाड़ी मतलब इसमें कुछ लोडिंग्स वगैरह हुई नहीं है सच। इसमें से आपके सामने 22 इंचेस के अलॉयज हैं। हाँ तो आप इसका टायर साइज देख सकते हो, मतलब वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा इतना बड़ा, बट आप टायर साइज अगर यहाँ से देखोगे तो 22 इंचेस है। मैंने अभी टायर प्रोफाइल देखी है, तो टायर प्रोफाइल आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। हाँ 275/45R22। अरे वाह, तो अरे वाह मतलब यार 45 है, मतलब तो इसमें और ऑफ रोड टायर आ सकता है, मतलब अगर करवाना चाहो। ये ऑफ रोडिंग टायर मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ये व्हील है नहीं, ये इतना मतलब 22 इंच का अलॉय कैसे ऑफ रोडिंग करेगा वो। और ऊपर से ये तो यार अपने वैसे वेनिस के तो मैंने बहुत सारे देखे, ये अपने ऑन रोड के नहीं होते हैं वाले अलॉयज। जिनकी ये प्री ओन्ड कार थी, हाँ उनका मेरे को लगता है ऑफ रोडिंग करने का पर्पस नहीं था। हाँ वो स्टेटस और पर्सनालिटी और एक अपनी लुक के लिए शायद उन्होंने ये गाड़ी परचेज की। चलो बाकी मुझे लगता है भाई इस गाड़ियों पे मतलब इन गाड़ियों पे मॉडिफिकेशन की ऐसा जरूरत होती भी नहीं, पहले से कैपेबल। रेड और क्रोम का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आपके सामने है। हाँ सामने अब जरा मुझे डिटेल बताओ इसमें क्या क्या ऐसा लगा हुआ है। हूटर, अरे भाई हमर पे हुटर? नीचे पुलिस वाली लाइट्स भी आए थे। ये शौकीन बंदे की गाड़ी लग रही है मुझे। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन लेगा? अब जिसके पास पैसे हैं, जिसको शौक है वही लेगा, और कौन लेगा? कोई आप मेरे को बताओ 55 लाख में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं लेने के? यार मैं आपकी बात पे आता हूँ, पर मैंने हमर में पहली बार हुटर और ये पुलिस लाइट्स देखी है। शौक है। गुड गुड। यार देखो इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब देखो जितनी हो सकती थी है ना, इसमें पुलिस लाइट से ही बहुत बेहतरीन लोग आता होगा, और आपने मैं मानता हूँ ठीक, मैंने आपकी रील्स भी देखी है ना, आपने अभी उसके अंदर अभी आपने पुलिस लाइट लगा डीक्रोम करवा रहा हूँ, सामने ग्रिल स्पॉइलर सब कुछ डीक्रोम हो रहा है, आगे पुलिस की लाइट। और मैंने स्टोरी भी देखी थी, एग्जाम देने जा रही हो पुलिस। गाड़ी जिनकी थी वो देहरादून रहते हैं, उनके पास एक हमर नहीं है, उनके पास इसके अलावा 2 हमर और है। तो हमर के बहुत बड़े शौकीन है वो, उनके पास बेंटले भी है। अच्छा, अभी हमारे पास ऑफिस आए थे, वो हमसे जी वैगन मांग रहे कि भाई जी वैगन देके दो साथ में। अच्छा, एक हमारे पास बेंटले अभी है वो, हाँ। उसकी भी मतलब उसके साथ भी हमारी डील चल रही है कि वो बेंटले हम अपनी देके, हाँ। हमारी नई वाली बेंटले। ओके, तो ये सब मतलब चलता रहता है ऐसे, हाँ, जो जिनसे अच्छा कनेक्शन है उनके साथ। तो भाई देखो हम इस गाड़ी के फीचर्स और इन सब लुक पे आते हैं अच्छे से। आप मुझे बताओ 55 लाख आपने बोला है, कोट किया है, फिर से वही बात हो गई कि फॉर्च्यूनर के प्राइस में आप हमर ले जाओ। हाँ, पिछली वीडियो भी ऐसी थी, फॉर्च्यूनर के प्राइस में आप पोर्शे ले जाओ। पर सेम बात उस वीडियो में बोली थी, उनको कंपेयर करना इससे मतलब बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल डेली ड्राइवर्स हैं, कहीं हाँ। भी ले जाओ, कहीं भी चढ़ा दो, फुटपाथ खुदा दो, जो मर्जी करना है कर दो, पर कम से कम प्राइस पे मिल रही है भाई। हाँ, ये देखो कंपेयर नहीं कर रहे हम, पर उसी प्राइस में अगर आपको देखो फॉर्च्यूनर इतना पैसा है आपके पास, हम बस टाइटल डाल रहे हैं, ये नहीं कि फॉर्च्यूनर से बेहतरीन गाड़ी है। फॉर्च्यूनर अपने आप में बहुत बेहतरीन है, हमर तो भाई अपने आप में काफ़ी सही है। भाई मैं देख रहा हूँ यार, देखो इन गाड़ियों पर ना जेड ब्लैक, अच्छा जेड ब्लैक आपने टेंट करवा रखा है मतलब है ना, लेकिन रेनबो वाली जो टेंट होती है वो बड़ी सूट करती है, हाँ, बहुत सुंदर लगती है हमर पे होती है ना गाड़ी, हाँ। तो बहुत सुंदर। अब यहाँ से पता नहीं कैमरा में दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ। फ्रंट ग्लास से हमारे को दिख रही है हल्की सी, उसकी ब्लूइश दिख रही है, ब्लू स्टोन, वो बहुत सुंदर लगती है। ये जो लाइट्स होती है ना, ये रूफ लाइट्स बोल सकते हैं इसे, हाँ। और ये इनकी पहचान ही है कि हमर पे लगती है, मतलब हमर पे सूट करती है। पर भाई ये भी आफ्टर मार्केट लग रही है मुझे, ये आफ्टर मार्केट है, आप तो लोग थार पे भी लगवा रहे हैं। हाँ, पर इन लाइटों का मामला ही ऐसा है, मतलब देखो हमर पे तो सूट करती है, सामने से आती है, हाँ। काफी काफी ह्यूज लुक देती है कार, वही, एंड थार पे भी काफी सूट करती है। ये तो है, मतलब चलो ये बात माननी पड़ेगी कि यार एक आफ्टर मार्केट काम तो इसमें चलो हुआ है ना। बाकी भाई अगर हम बात करें 22 इंचेस के इसमें अलॉय है ना, अभी चला के प्रॉपर एक्सपीरियंस देखेंगे। अब जरा पीछे आते हैं भाई, मैं देख रहा हूँ ये क्या है? ये दोनों बस लुक के लिए होता है, सिर्फ लुक और स्टांस के लिए है। अलॉय आपके सामने विदाउट वो है, टायर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ये ऐसे ही इसको सिर्फ अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब इस गाड़ी को लेने का पर्पस इज मोर ऑफ कि आप अपनी पर्सनालिटी और अपना दबदबा, हाँ, बाहुबली इंसान लेगा इसे, अपनी प्रेजेंस दिखाओ। हाँ जी, एंड इतना बड़ा बूट स्पेस है भाई, बेहतरीन बूट स्पेस है ना। सूटकेस के साथ बंदा भी आ जाएगा मेरे को, 2-3 बंदे भी आ जाएंगे। वैसी अच्छा नंबर गाड़ी है तो बंदा तो आना भी चाहिए इसके अंदर, पर हैवी, अच्छा मतलब मैं देख रहा हूँ प्रॉपर हैवी कार है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी मतलब इतना कम एवरेज मिल रहा है इसमें। एक तो 22 इंच अलॉय डाल रखे हैं, ऊपर से बॉडी 2-3 का एवरेज निकाल सकते हो, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं है। 3.7 लीटर का इंजन है जो 240 कुछ BHP प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर चुकी है कि इतनी BHP आपको एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन देता है, हाँ। जो BMW आती है 520i, वो भी आपको इतना इजीली अब देना शुरू कर चुकी है। 530i के अंदर 2 लीटर इंजन आता है, वो आपको इतनी BHP प्रोड्यूस करके दे रही है। 3.7 पे मतलब ऑब्वियसली बात है, अपनी एज के साथ इसमें इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी भी नहीं। हाँ, ये गाड़ी मतलब आपने सही बोली भाई, 2011-12 में ना बंद हो गया इसका प्रोडक्शन, लोग आज भी चलो ले रहे हैं यार, तब से पड़ी है उन पे, हाँ। और ऐसा कोई प्रैक्टिकल वो जिनकी थी वो खुद नहीं चलाते थे रोज, उन्होंने हमारे को खुद बताया कि वो महरौली से कहीं मेट्रो स्टेशन पास तक गए, इस गाड़ी ने कुछ 10-12 किलोमीटर के अंदर 28 लीटर पेट्रोल अरे भाई उन्होंने हमारे को खुद बताया। अच्छा, तो एवरेज तो इसकी है ही नहीं, अभी हमने आते इसको फ्यूल कराया। आओ भाई बैठते, फिर आओ अंदर बैठते हैं। ये देखो हमने यहाँ से पीछे किया, ठीक है, एंड चलो एक चीज़ भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आ रहा है, बहुत सही। एंड कौन सा मॉडल है? 2011 मॉडल है, ठीक है। चली बहुत कम हुई है उसके साथ में, सिर्फ 31,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ, इसमें मुझे लगता है 31,000 किलोमीटर में तो बहुत पेट्रोल पी लिया होगा। तो भाई साहब आप मैच करके देखो एक बार, नॉर्मल अगर 2 की एवरेज दे रही है और 31,000 किलोमीटर चल गई है, कितने लीटर पी गई होगी? पर भाई ये स्टारलाइट्स वाला काम इसमें आफ्टर मार्केट है, पर ये जो बाहर निकल रहा है ये बड़ा सी एज के साथ ये गाड़ी अपनी एज शो कर रही है कि मैं हो रही हूँ बुढ़ी। हाँ। मतलब मेरे को ध्यान दो, मेरा ध्यान रखो तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं चलूंगी। मुझे लगता है जो ओनर गाड़ी लेंगे उनको थोड़ा सा स्टारलाइट्स में थोड़ा ठीक करवाना होगा। अब 55 लाख की गाड़ी ले तो कुछ तो वो तो आस्किंग प्राइस है, वो नेगोशिएबल होता है टेबल। अच्छा, अब मैं इसकी अगर सनरूफ देना चाहूँ, भाई इतना हार्ड, बहुत हार्ड है। अरे वाह, हल्का सा पुश करके उठता है यार। देखो फील तो है इस गाड़ी में, है ये बात तो माननी पड़ेगी। और साथ में गियर नॉब भी एक ऐसा फील दे रहा है कि इनको झोटा ही चला रहे हैं। रात को निकालने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, सच में अच्छी गाड़ी है। टेंशन ग्रैब करने के लिए, और मतलब कि आप मतलब इट इज की सड़क पे आपको हमर दिखेगी नहीं आपके अलावा। हाँ, ये तो है। मेरे को लगता है अभी वेस्ट जिले के ना अकेली हमर खड़ी होगी। हाँ, एसी है आपके पास, आपके पास ये आफ्टर मार्केट टच डिस्प्ले लगी हुई है, क्योंकि शायद उसके ना ब्लूटूथ नहीं आता था शायद। अच्छा, ऐसा कुछ है। हाँ, ओके। ये इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, ये इसका ट्रैक्शन ऑफ है। हाँ। और ये शायद मेरे को पता नहीं क्या लग रहा है, ये 4x4 के कंट्रोल्स हैं। ये 4 हाई लॉक, 4 लो लॉक, ओके, इस तरीके से है। मुझे लगता है आपने 4x4 यूज किया होगा इसमें। तो नॉर्मल हम इसको बहुत बेसिकली चला रहे हैं, मतलब हमने चलाई भी नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस आई और ऑफिस। और इसमें एक ही तरफ में मतलब इंडिकेटर से लेकर क्रूज कंट्रोल सब कुछ, वाइपर भी। अरे वाह। और अच्छा, यहाँ पे हेडलाइट्स का मैनेज करने के लिए है ना ये पूरा। अच्छा, ठीक है। बेसिक इंटीरियर है जैसे 2011-12 की गाड़ियों में आया करता था, उसी लेवल का इंटीरियर है। कोई आपको अब सी आपको भी पता है कि गाड़ी के अंदर कोई लग्जरी फील तो नहीं है, एक वाइब है कि हम हमर में बैठे हैं। एक सेंस ऑफ प्रेजेंस है कि हाँ भाई हम हमर में बैठे हैं। गाड़ी लेकिन बहुत वो तो है, लिटरली हैवी कार है ये सही में। और अगर इसकी यार ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन कौन सा आता है इसमें? इसके अंदर ये 5 सिलेंडर कार है, 3.7 लीटर इसका इंजन है, और ये गाड़ी के अंदर 5 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। अच्छा, AMT है AMT। अच्छा, AMT तो फिर सही है, ठीक है यार, उस जनरेशन के हिसाब पे यही चीज है। और स्टार्टिंग में तो हाँ, उस वक्त तो AMT ट्रांसमिशन था सबसे ज्यादा। उस टाइम पे तो कुछ DSG वगैरह लोगों को पता नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत रेयर भी होगा इंडिया के हिसाब से। पोर्शे के अंदर PDK आता है, अच्छा, ट्रिपट्रॉनिक आता है, BMW के अंदर स्टेपट्रॉनिक आता है। अरे वाह, अब वो था ही नहीं उस टाइम पे। और हमर तो वैसे भी जनरल मोटर्स ओन करता है, तो उनको तो जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी उन्होंने लगा दी। चलो ठीक है, आओ भाई इसको जरा चला के देखते हैं। मैनुअल भी है इसमें, है ना, साथ साथ। वो आपकी जब आपको ऐसे ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है और आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए गाड़ी की, कि आपको चढ़ाई करनी है, मतलब आपको ऊपर चढ़ानी है गाड़ी। हाँ। तो आप उसके लिए वो कंट्रोल यूज कर सकते हैं। गाड़ी हिलती बहुत है यार। स्टिफ सस्पेंशन है, काफी स्टिफ सस्पेंशन है इसका, और ऊपर से अलॉयज भी आपके सामने 22 इंचेस है। मुझे लगता है भाई अब तो मतलब जैसे पहले क्या था, हमर जैसी इतनी बड़ी गाड़ियाँ बहुत कम देखने मिलती थी। आजकल इंडिया में SUVs भी इतनी बड़ी बड़ी लेंथ पे हो गई है कि लोगों को लगता है कि हाँ चलो ठीक है। अब चलाने में कोई अगर नॉर्मल इनोवा से बंदा उठाऊंगा, बोलूँ हमर चला लो, चला लेगा वो। पहले लोगों को ना घर के अंदर, सबसे पहले जब मैं छोटा था तो लोगों के पास सबसे बड़ी गाड़ी हुआ करती थी 800 Esteem, बिल्कुल ठीक। और उस वक्त अगर ये गाड़ी दिख जाएगी, उसी जमाने की टाइम में तो ये उनके लिए ट्रक था, वैसे आज भी ट्रक ही है। इसको बड़ा मतलब बहुत स्मूथली चलाना पड़ता है, कि गड्ढों वड्ढों पे से आराम से, स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से, क्योंकि मतलब हर गाड़ी की एक एज होती है। थोड़े पुर्जे इसके साउंड कर रहे हैं भाई। हाँ, वो एज हो गई है गाड़ी की, जिन मतलब ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी की एज हो गई है। पार्ट्स पता नहीं मिलेंगे इसके। अब तो क्या बोलते हो आप, जिसको अगर हमर ओन करना है तो वो कैसे, मतलब अगर कुछ पार्ट्स खराब हो गए तो कुछ उनका रास्ता है? सोर्स तो हो जाते हैं सारे पार्ट्स, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ना मिलता हो। अच्छा, ऐसा कोई पार्ट नहीं है ना मिलता हो, बट ऑब्वियसली बात है जो गाड़ी अवेलेबल नहीं है मार्केट में उसके पार्ट्स, मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाली इफेक्ट होता है ना। जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उसकी सप्लाई, ऑब्वियसली बात है पीछे से जो रिटेलर है या शॉप ओनर है वो भी नहीं रखता यार, मांगता तो कोई है नहीं सामान में, लेके रखता है, महंगा ही मिलेगा उस हिसाब से। ये शौकीन गाड़ी है कि आपने घर पे खड़ी करी हुई है, आपके घर पे मतलब आप भाई जो सेम बात है कि आपके घर कोई आया, उसको एक तरीके से बस स्टेटस दिखाने के लिए कि भाई मैंने ऐसी खड़ी करी हुई है घर पे। मैं देख रहा हूँ भाई सस्पेंशन तो स्टिफ है, स्टीयरिंग भी स्टिफ है, और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। बॉडी की जितनी इसकी बॉडी की एक वेट है उस हिसाब से गाड़ी पुश नहीं हो पा रही, मतलब टॉर्क थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है यहाँ पे ना। आपने इससे पहले गाड़ी चलाई थी पोर्शा। हाँ, काइन। अरे भाई क्या गाड़ी सी बात है। अब उससे अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा, चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली बात है गाड़ी इतनी पुरानी है, इतना इसके अंदर इंजन में पावर नहीं थी। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 लीटर का BMW का पेट्रोल इंजन सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये 3.7 लीटर का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। चलो इसको अभी तक ऑफ रोड में तो वैसे नहीं लेके गए, लेकिन अगर लेके चले जाओ तो क्या बोलते हो आप, जैसा आपने ओनर से पूछा होगा अगर ऑफ रोड में कैसे एक्सपीरियंस दिया इस गाड़ी में? ऑफ रोड वो ऐसे वो नहीं लेके गए, उनका बहुत मतलब बहुत ऐसे था कि बस उनको शौक नहीं है। जैसा आपने बताया नहीं, कभी भी नहीं, वो सिर्फ शौकीन है। ये गाड़ी शौकीन है कि आपको पसंद है, पावर तो इसमें है नो डाउट। अब पता तो है, अच्छा तो है। इसका मतलब वो वाला खेल है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये अपना लैग दिखाता है, थोड़ा सा समय लेता है। देखो थोड़ा समय लिया, अब ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है, शट डाउन थोड़ा धीरे करती है। अच्छा, इसने मुझे लगता है एक बार 2500-3000 आरपीएम में अगर चली गई फिर थोड़ी पागल आती है, तब थोड़ा इसको किक मिलता होगा टर्बो का। ओके, वो सीन है। तो भाई हम दोबारा से उसी फ्लाईओवर पे आ गए हैं, पश्चिमा फ्लाईओवर। हमने पिछली बार बहुत बढ़िया बातें करी थी फ्लाईओवर के रिलेटेड, ठीक है भाई। उसके बाद से ये फ्लाईओवर अभी बंद हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो मैं रात को आता नहीं इस साइड पे। वैसे कल रात को मैं बाहर था। अच्छा, तो कल रात को तो खुला हुआ था। अच्छा, खुला हुआ था। हाँ। ओके, आप जरा ऐसे दिखाओ, मैप दिखा दो तुम लोगों को। देखो अब मैंने बी मोड पे है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा दिया। स्टार्टिंग में हल्का सा ऐसे लैग आया, अब फुल भाग रही है 80, ठीक है, बहुत है। ऐसी गाड़ियों में भाई 80-100 बहुत है, ये 150-200 वाली गाड़ियाँ तो है ही नहीं कतई। इसकी आपको कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है गाड़ी में, वही एग्जैक्टली यार। चलो यार, अब मैं पैसेंजर सीट में आ गया हूँ, क्योंकि यार कुछ गाड़ियों का ना फील साइड बैठ के भी देना चाहिए। पंजादाब कर दो। देखा आपने स्टार्टिंग में जो लैग आता है, वो ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, तो कहाँ से वो ये पावर प्रोड्यूस करेगा ये। पर वो ये एक बार ये इसका इंजन रमा हो जाता है ना, एक बार थोड़ा सा हीट पकड़ता है इंजन, फिर तो भाई खैचू खैच जो बोलते हैं ना। इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। सही में वॉबल, आपने बहुत ठीक बोला, स्टीयरिंग वॉबल करता है, गाड़ी वॉबल कर रही है। मेरे को इसका मतलब, मेरे को इसका एक्सेल ऐसा लग रहा है इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है। पर फिर भी जिसको अगर ये गाड़ी लेनी, देखो ये हमारा काम है, हमारा भाई की तरफ प्यार है कि अगर हमारी ऑडियंस में से जिसको ये गाड़ी लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हो। चलाने में बिल्कुल मतलब बहुत मक्खन है, ऐसी कोई मतलब देखो क्यों है, वो टायर साइज बहुत डला हुआ है, बहुत बड़ा डला। अब टायर साइज थोड़ा डलवा दोगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखो जो हमर लेगा वो अपने हाथ से कस्टमाइज भी कराएगा, है ना, तो तुम लोग अपने हाथ से कस्टमाइज करा के इसको बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। देखो हमर है, हम तो थोड़ा डीप घुस के बात कर रहे हैं। इस गाड़ी का मतलब बेसिक पर्पस इज नॉट टू ड्राइव इट एट 100-150। हाँ, आप 40-50 की स्पीड पे क्रूज करो, दोस्तों के साथ घूमो, बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके जाओ। हाँ, ये आपकी है क्या? नहीं हम रील्स देख के कुछ गलत समझ लेते हैं यार। नहीं, अब तो मैं मतलब अब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह वाला कुछ कोटेशन मतलब क्वेश्चन अब तो किसी को दिखता है नहीं, अब तो बहुत क्लियर करा। एक मेरे ख्याल से रील बनवा के हुआ है ना, सीन कोई रील बनाई है, रील बनवाई है, उसके नाम मैंने बोल दिया था कि भाई एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दे कि कोई गर्लफ्रेंड। तो एक बार जरा नाम ले लेते हैं ना, अगर उन्होंने वीडियो देखी उनको लगेगा कि नाम ही नहीं ले रहे हम, उनको भी यशवी बग्गा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जितने लोगों को पता है उनको पता है, जितने लोगों को नहीं पता वो फॉलो करो भाई को भी, काफी लोग जानते हैं। हाँ, ये तो है। चलो भाई, अब एट लास्ट वीडियो के हम आखिरी चरण में हैं। आप यार इस गाड़ी की वैसे आप, मैं जानता हूँ आप चाहो तो बहुत नेगेटिव्स बोल सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मतलब नेगेटिव मुझे याद है, आई नो द ड्रिल कि 3 नेगेटिव पॉइंट बताने होते हैं। हाँ, जी। पहला नेगेटिव पॉइंट मैं सोच के आया था, पहला तो माइलेज है। 2 की माइलेज तो बहुत बेकार है यार, 2 की माइलेज तो एक्सट्रीमली बकवास माइलेज। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो 2 की माइलेज का मतलब ठीक है, 2 की माइलेज कुछ भी नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है जब शौकीन गाड़ी है, हफ्ते में एक बार निकालने के लिए, तो 2 की माइलेज अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया कि ड्राइव, हम अपना पिछले 4-5 साल से अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी वाली कार चला रहे हैं। हाँ। तो उनकी ड्राइव में और इसकी ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो ड्राइव मेरे को लगता है काफी एरियाज में लैग करती है। देन थर्ड हो गया जो आपने बात बोली कि पार्ट्स वगैरह सोर्स करना, वो काफी मुश्किल होगा, ऑब्वियसली बात है। ऐसे इस गाड़ी के अंदर कोई इशू है नहीं, कोई इशू नहीं है कि ऐसे कोई पार्ट खराब हो, कुछ खराब हो, बट तब भी ऑब्वियसली बात है 11 साल पुरानी, मतलब 11 नहीं 13 साल पुरानी गाड़ी के पार्ट सोर्स करने में थोड़ी सी तो दिक्कत हुई। मेरे ख्याल से दुबई से ही पार्ट मिलते हैं इसके, फिर दुबई से, कुवैत से, ताइवान से ही पार्ट्स आएंगे। अच्छा। एज इन जनरल कि यहाँ पे कहीं आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा, वो नहीं हो सकता। अच्छा, कहीं पड़ा हो तो पड़ा हो, बट बहुत लो चांसेस है उसके। Okay, लेकिन चलो मिल जाएगा तुम लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी भाई हमारे सामने फिर से आप देख सकते हो, ये अपनी Hyundai गाड़ी है जिसमें एलॉय टायर वाला सीन हो रखा है। क्या टिप्पणी करना चाहोगे? भाई बोल रहे हो मुझे फंसाने की पूरी कोशिश करते हो तुम। हाँ, बढ़िया लग रही है, बट जैसे इसकी भी ड्राइवेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा फर्क है। छोटा एलॉय होता, छोटा टायर होता, तो आई थिंक बेटर ड्राइव होती। छोटा टायर होता है, छोटा एलॉय, मतलब ऑब्वियसली बात है टायर भी छोटा हो, और मतलब गाड़ी की प्रोपोर्शन के हिसाब से टायर एलॉय होना। तो इसमें कितना आना चाहिए? फिर इसमें होना चाहिए 19 तो होना चाहिए। अगर एंडेवर में 18 आता है, इसके साइज के हिसाब से 19 तो होना चाहिए। 22 तो मेरे को लगता है एक्सट्रीमली बहुत बड़ा है यार। पर मुझे तो लगता है इसमें तो 26 इंच एलॉय लगाने चाहिए लोगों को। भाई बोल रहे बस तभी तुम मिहिर गलत हो ना। तो ये मैं नाम निर्भर कान में 24 बोलोगे, मैं 24 तो 26, मैं तो 30 बोलने वाला था भाई। बंदे आपको पता नहीं है आजकल बहुत बेहतरीन रील्स पे देखिए काफी गाड़ियां हैं जिनके अंदर मतलब उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन से बहुत बड़े बड़े अलॉयज लग रहे हैं। पर ठीक है भाई, देखो स्टार्टिंग से ना प्रैक्टिकलिटी पे रहते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बातें करना और प्रैक्टिकल नॉलेज देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो भाई आपके हिसाब से मतलब 19 से 20 इज इनफ फॉर दिस कार है ना यार? आपको चलाने में तो मजा आना चाहिए, इससे शो थोड़ी चाहिए गाड़ी की, सिर्फ लोग देखें, खुद भी तो चलाते हैं यार। मेरे को लगता है कि जो गाड़ी आपको चलाने में मजा आएगा ना, आपका रोज चलाने का मन करेगा बिना पर्पस के। मेरे को एंडेवर इतनी अच्छी लगती है, लिटरली मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए एंडेवर चलाने के लिए, मेरा रोज मन करता है कि यार एक गेड़ी मार के आते हैं, एक गेड़ी मार के आते हैं। एंडेवर तो देखो गाड़ी फिर सबको पता ही है ना, बाकी इधर हम एंडेवर फॉर्च्यूनर ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। जिसको एंडेवर पसंद है उसको एंडेवर पसंद है, जिसको एंडेवर पसंद है ना भाई, मैं देखता हूँ ऐसे ये ना आजकल ऐसी एक बात हो गई है कि जिसको एंडेवर पसंद है उसको फॉर्च्यूनर नहीं पसंद। ऐसा क्यों? आपको एंडेवर पसंद है, आपको फॉर्च्यूनर पसंद होगी, फॉर्च्यूनर भी पसंद है, वो बस ऐसी बस समझ रहे हो ना थोड़ा सा। पता है क्या, हम शायद वो लास्ट जनरेशन है जो ये गाड़ियां फेस कर रहे हैं। अभी जो मतलब जितनी भी गाड़ियों का भी समिट हुआ है वो सब कह रहे हैं कि हम 25, 26, 27 मैक्सिमम तक हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आएंगे। हम बचपन से पैदा हुए हैं इंजन वाली गाड़ियों के साथ, जिनका रूम रूम हमने सुना, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। हम लास्ट जनरेशन है लिटरली जो शायद ये सब देख पा रहे हैं। ये हम बहुत लकी है कि हमारे पास है, मतलब लिटरली ये गाड़ी वन ऑफ इट्स काइंड है, लास्ट जनरेशन है अपनी गाड़ी, इसके बाद हमारा आई नहीं है ये वाली। ये तो है, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब हम ये बोले ये बेकार है ये वो है, 5-7 साल बाद दिखेंगे भी नहीं, फिर चलाना अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चार्जर मोबाइल वाली। इसी बात पे तुम लोग वीडियो को लाइक करना है, तुम लोगों को शेयर करना है, एंड अगर तुम लोगों को ये गाड़ी चाहिए तो दीपक मोटर्स है ना, कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप हमारे को साइट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप मेरे को निर्भयबैल इंस्टाग्राम पे हाँ फॉलो करके तुम बात कर सकते हो, है ना। बाकी भाई को फॉलो करना है, अगर तुम्हारे कोई मॉडिफाइड गाड़ी है, कोई भी गाड़ी जिसपे हम वीडियो बना सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाकी चलो एंड करते हैं वीडियो को। तो यार मैं मिहिर गलत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के लिए। गुड बाय। ये नहीं करना था कैसे? हाँ अब आएगा ना ये कैसे, साइनिंग आउट।